लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था अगर कुछ आइडिया हो तो? मुझे तो पता है जो टैबलेट ग्रेन्यूलेशन टैबलेट। यस मैं टैबलेट ग्रेन्यूलेशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है? टैबलेट ग्रेन्यूलेशन कंप्लीट हो गया था। टैबलेट ग्रेन्यूलेशन दो टाइप का था, ड्राई ग्रेन्यूलेशन, वेट ग्रेन्यूलेशन, ठीक है? अब है आज जो है वो है कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। क्या है? कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर यस वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है। अब क्या है, टैबलेट फॉर्मुलेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में हमें क्या चाहिए था? सबसे पहले ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स, ठीक है? एक्सीपिएंट जो हमने अलग अलग टाइप के पढ़े थे उनको क्या करते हैं हम, मिक्स करते हैं, ठीक है? किसके थ्रू मिक्स करते हैं? ग्रेन्यूलेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स को। अब क्या है, मिक्स हो चुके हैं वो, ठीक? अब मिक्स होने के बाद हम उन्हें टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट बनने से पहले उनका एक प्रोसेस होता है कॉम्प्रेशन, ठीक है? कॉम्प्रेशन में क्या होता है, रिडक्शन इन बल्क साइज। क्या होता है, ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स मिले हुए हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है? तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म को हम कॉम्प्रेस्ड करते हैं कॉम्प्रेशन के थ्रू, ठीक? उसमें कॉम्प्रेशन में क्या होता है, रिडक्शन इन बल्क साइज, जो रिडक्शन होता है बल्क साइज का वो कम हो जाता है, ठीक है? जिससे जो गैसेस वगैरह हैं, जो उसमें गैसेस हैं ग्रेन्यूल्स में, ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स के बीच, वो लेस हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या होगा, टैबलेट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? टैबलेट बन जाएगी, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट कहलाएगी वो, ठीक? कॉम्प्रेशन के थ्रू बन रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, ठीक? तो कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट में नोट डाउन करो, कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट, कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। कॉम्प्रेशन मीन्स ए, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन मीन्स ए, कॉम्प्रेशन मीन्स ए रिडक्शन इन द बल्क वॉल्यूम, कॉम्प्रेशन मीन्स ए रिडक्शन इन द बल्क वॉल्यूम, रिडक्शन इन द बल्क वॉल्यूम ऑफ ए मटीरियल, बल्क वॉल्यूम ऑफ ए मटीरियल, ऑफ ए मटीरियल, ऑफ ए मटीरियल एज अ रिजल्ट ऑफ द रिमूवल, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गैसेज, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गैसेज फेस, गैसेज फेस बाय अप्लाइड प्रेशर, गैसेज फेस बाय अप्लाइड प्रेशर, ठीक है? कॉम्प्रेशन में क्या कर रहे हैं, ग्रेन्यूल्स को हम ले रहे हैं, ठीक है? देन क्या करते हैं, रिडक्शन हो जाता है बल्क साइज में, और गैसेस फेज जो होती है, ठीक है, उनका भी रिमूवल हो जाता है, तो क्या बनती है, कॉम्प्रेस टैबलेट बनती है, ठीक? नेक्स्ट लिखो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, CONSOLIDATION, कंसोलिडेशन। कॉम्प्रेशन, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, तो कंसोलिडेशन में नोट डाउन करो, कंसोलिडेशन इज एन, कंसोलिडेशन इज एन इंक्रीज इन द, कंसोलिडेशन इज एन इंक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन इज एन इंक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटीरियल, ऑफ ए मटीरियल, ऑफ ए मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन, रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन, रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट लिखो कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन ऑफ ए पाउडर, कॉम्पैक्शन ऑफ ए पाउडर इज द जनरल टर्म, कॉम्पैक्शन ऑफ ए पाउडर इज द जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द, यूज टू
डिस्क्राइब द सिचुएशन, यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच दीज मटीरियल्स आर सब्जेक्टेड टू द कॉम्प्रेशन ऑफ ए पाउडर इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच दीज मटीरियल in which these material are subjected to some level of mechanical force ठीक है. next लिखो. अब कॉम्प्रेशन या कॉम्प्रेशन साइकिल हेडिंग है. कॉम्प्रेशन साइकिल या प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन सब्जेक्टेड टू सम लेवल ऑफ मैकेनिकल फोर्स. Some level of mechanical force. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो कॉम्प्रेशन साइकिल की. कॉम्प्रेशन जो हो रहा है किसका कर रहे हैं? कॉम्प्रेशन ग्रेन्यूल्स का कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? जिससे कि टैबलेट बन जाए. ठीक है. तो कॉम्प्रेशन साइकिल या प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन में कौन कौन सी स्टेज आती हैं? कौन कौन सी स्टेज आती हैं? ठीक है. फर्स्ट, थर्ड ईयर वॉइस आ रही है आप लोगों को? थर्ड ईयर ठीक है. तो कॉम्प्रेशन जो साइकिल है उसकी कौन कौन से फेज होते हैं? ठीक है. फर्स्ट है ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट. ट्रांजिशनल रीपैकिंग भी बोल सकते हैं और इसको पार्टिकल रीअरेंजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है डीफॉर्मेशन एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. थर्ड है फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट है बॉन्डिंग. नेक्स्ट है फिफ्थ डीकंप्रेशन. क्या है? डीकंप्रेशन. ठीक है. डीकंप्रेशन के बाद होगा इजेक्शन. ठीक है. पहला था ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट. ठीक. जैसे ग्रेन्यूल्स हमारे फॉर्म हुए हैं तो फर्स्ट फेज क्या होती है कॉम्प्रेशन की? पार्टिकल रीअरेंजमेंट. ठीक है. इसमें क्या होगा? पार्टिकल जो होंगे रीअरेंज होंगे एक दूसरे में. पहले क्या होंगे? पार्टिकल्स को हम इकट्ठा करते हैं, पार्टिकल से जो ग्रेन्यूल्स होते हैं. ठीक. फिर क्या करते हैं? जो डाई होती है हमारी और जो पंच होते हैं उसके थ्रू हम उनको हॉपर के थ्रू डाल देते हैं. ठीक. देन क्या होता? तो उसमें जाके अभी कुछ नहीं किया है हमने, उसमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं. जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो डाई के दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो दूसरे साइड पर चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डीफॉर्मेशन. में क्या होगा? जो टैबलेट होगी वो अपनी फॉर्म लेगी. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर फॉर्म ही ले. डीफॉर्म होगी मतलब पूरी तरह से फॉर्म नहीं होगी, वो डीफॉर्म होगी. एक प्रोसेस में आ जाएगी कि हाँ मुझे इस टाइप की बननी है. ठीक. नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन.
डीफॉर्म हो गई टैबलेट, मतलब थोड़ी बहुत बनी है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं अपनी फॉर्म लेगी टैबलेट, डीफॉर्म के थ्रू जैसे ली है, और जो फ्रेगमेंट्स होंगे टैबलेट के अलावा जो चारों ओर फ्रेगमेंट्स लगे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होगी, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग में क्या होगी, फ्रेगमेंट जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फिर से बॉन्ड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा फिर डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन में क्या होगा, दोबारा से फ्रेगमेंट्स का कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में बनेंगे वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो टैबलेट बन जाएगी लास्ट फॉर्म में। ठीक है, टैबलेट बन गई है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, तब क्या होगा, देन इजेक्शन होगा, टैबलेट बाहर आ जाएगी डाई और पंज से। ठीक है, ये होता है कॉम्प्रेशन साइकिल में। इसमें कोई डाउट है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो नोट डाउन करो, कॉम्प्रेशन साइकिल या प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन में इन फार्मास्यूटिकल लेबलिंग, इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग, इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग, इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग एंड इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग, टैबलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स, एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स इन डाई कैविटी, इन डाई कैविटी, डाई कैविटी इज कॉम्प्रेस्ड बिटवीन एंड अपर एंड लोअर पंच, बिटवीन एंड अपर एंड लोअर पंच टू कंसोलिडेट द मटीरियल, कंसोलिडेट द मटीरियल इनटू ए सिंगल सॉलिड मैट्रिक्स व्हिच इज फाइनली इजेक्टेड फ्रॉम द डाई कैविटी, फ्रॉम द डाई कैविटी एज ए टैबलेट, डाई कैविटी एज ए टैबलेट। ठीक है, कॉम्प्रेशन साइकिल में दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स, इन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स इन डाई कैविटी इज कॉम्प्रेस्ड बिटवीन एंड अपर एंड लोअर पंच टू कंसोलिडेट द मटीरियल, टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट द मटीरियल इनटू ए सिंगल सॉलिड मैट्रिक्स व्हिच इज फाइनली इजेक्टेड फ्रॉम द डाई कैविटी, डाई कैविटी एज ए टैबलेट। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्रेशन साइकिल में, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स, कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं, किनके बीच कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं, पंच और डाई के बीच में, डाई और पंच जो होते हैं कॉम्प्रेशन मशीन के पार्ट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं कॉम्प्रेशन मशीन के पार्ट होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कंप्रेस्ड हो रहे हैं, कि उन पर एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगाई जा रही है डाई और पंच के थ्रू, जिससे क्या हो रहा है, एक सॉलिड मटेरियल निकल के आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल निकल के आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं टैबलेट। ठीक, तो फेसेस क्या है इसके टैबलेट कॉम्प्रेशन के, फर्स्ट है ट्रांजिशनल रीपैकिंग, ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट, ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट में लिखो, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ कॉम्प्रेशन, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज ऑफ कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर, पार्टिकल सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर ड्यूरिंग दिस पार्टिकल्स, ड्यूरिंग दिस पार्टिकल मूव्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हाँ जी मैम, फास्ट हो रहा है थोड़ा, लो बोलती
ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ कॉम्प्रेशन, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स सब्जेक्टेड, पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर, पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर कॉमा ड्यूरिंग दिस पार्टिकल moves with respect to each other, moves with respect to each other and smaller particles enter into the voids between the large particle between the large particle as a result volume decrease and density increases and spherical particles spherical particles undergoes lesser rearrangement than irregular particle यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? थर्ड ईयर ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल रीअरेंजमेंट और ट्रांजिशनल रीपैकिंग या पार्टिकल रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में कॉम्प्रेशन की इनिशियल स्टेज फर्स्ट है ये, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज ये होगी, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल सब्जेक्टेड टू लोअर प्रेशर, इन पर क्या लगाया जाता है, लो प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। किसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पार्टिकल्स कौन से हैं, जो ग्रेन्यूल्स के हैं, स्फेरिकल फॉर्म में भी हैं, ठीक है, ओवल फॉर्म में भी हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में भी हैं, क्या होंगे, मूव होंगे, ठीक है। तो मूव होने के बाद क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वॉइड्स, जहाँ लार्जर पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या होता है, जब ऐसा होता है तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, किसका वॉल्यूम, पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे में रीअरेंज होते रहेंगे, कहीं कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, ठीक ठीक है। ये है फर्स्ट फेज, पार्टिकल रीअरेंजमेंट या ट्रांजिशनल रीपैकिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखना पंचेज एंड पार्टिकल्स मूवमेंट एट लो प्रेशर देन एरो करके लिखना, ठीक है। जैसे आपने लिखा है पंच एंड पार्टिकल्स मूवमेंट एंड लो प्रेशर, देन एरो करके लिखना है आपको, एंटर इनटू द वॉइड्स ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल एक जगह अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस है उसमें क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स घुस जाते हैं, ठीक। एंटर इनटू द वॉइड्स ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, ठीक। तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट अगर तो क्या होता रहेगा, रीअरेंजमेंट होता रहेगा, पार्टिकल्स रीअरेंज होते रहेंगे। कैसे रीअरेंज हो रहे हैं, लो प्रेशर लगाया जा रहा है जब हमने कॉम्प्रेशन में, ठीक। नेक्स्ट है डीफॉर्मेशन सेकेंड फेज जो थी, डीफॉर्मेशन एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है। अब डीफॉर्मेशन में क्या होगा, पहले तो क्या हुआ, पार्टिकल्स रीअरेंज हुए हैं, अपनी जगह ली है उन्होंने,
लार्ज पार्टिकल्स एक दंगा अरेंज हो गए हैं, जो उनमें क्या हुआ है फिर स्मॉलर पार्टिकल उनके वॉइड में जाके बैठ गए हैं, ठीक है। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, डी फॉर्मेशन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डी फॉर्मेशन में क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, ठीक। फोर्स लगाई जाएगी तो क्या उनका जो ग्रेन्यूल्स थे, जो ये पार्टिकल्स थे, वो डीफॉर्म हो जाएंगे, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, डीफॉर्मेशन। तो इसमें नोट डाउन करो, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मटीरियल, डीफॉर्मेशन अकर। इफ द डीफॉर्मेशन डिसअपियर कंप्लीटली, ब्रैकेट में लिखना रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन रिलीज ऑफ स्ट्रेस, इट इज सेट टू बी इलास्टिक डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हमने नोट डाउन किया था, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मटीरियल डीफॉर्मेशन अकर, ठीक है। मटीरियल या जो पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डीफॉर्मेशन होता है। इफ द डीफॉर्मेशन डिसअपियर कंप्लीटली अपॉन रिलीज ऑफ स्ट्रेस, इट इज सेट टू बी इलास्टिक डीफॉर्मेशन, ठीक है। अगर डीफॉर्मेशन हो रहा है, फोर्स के थ्रू हो रहा है, तो डीफॉर्मेशन में क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस रिलीज करते हैं और डीफॉर्मेशन जो है कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक। जो फॉर्म बनी थी ग्रेन्यूल्स की, जो एक दूसरे से अटैच हुए थे, अगर वो हो जाते हैं कम्प्लीटली, पूरा रिमूव हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इलास्टिक डीफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ अ डीफॉर्मेशन दैट डू नॉट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस, इट इज नोन एज प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, ठीक है। इफ ए डीफॉर्मेशन दैट डू नॉट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, इट इज कंप्लीटली नोन एज प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, ठीक है। या इलास्टिक डीफॉर्मेशन में ऐसा होता है, टैबलेट जो है हमें बनानी है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, राउंड शेप में, तो इलास्टिक डीफॉर्मेशन में क्या होता है, स्ट्रेस भी हम लगा रहे हैं और वो रिमूव नहीं हुई है, क्या हुआ है, जो टैबलेट है वो अभी थोड़ी थोड़ी राउंड शेप में ही है, थोड़ी थोड़ी उसने बस थोड़ी सी जो शेप थी वो चेंज की है, ठीक है, या स्फेरिकल शेप में आ गई है, तो उसको हम बोल रहे हैं इलास्टिक डीफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डीफॉर्मेशन में क्या होगा, जो टैबलेट है राउंड शेप में है, ठीक है, हमने उस पर स्ट्रेस लगाया है, स्ट्रेस लगाने से क्या होती है, वो थोड़ी बहुत बहुत क्या होती है, दब जाती है, ठीक, क्या होती है, दब जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है, थर्ड ईयर मैम आपने लास्ट वाला क्या बोला, उसके बारे में कुछ कर दीजिएगा। मैंने बोला है इफ ए डीफॉर्मेशन दैट डू नॉट रिकवर
इफ ए डी फॉर पेशेंट दैट डू नॉट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस इट इज़ नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इट इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है अंकित, अंकित नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, द फोर्स रिक्वायर्ड इन इनिशियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस YIELD यील्ड स्ट्रेस. The force required in initial plastic deformation is known as yield stress. Yield stress. ठीक है. अब थर्ड है fragmentation. Fragmentation. ठीक है. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा जो डिफॉर्म हुई है हमारी, जो फॉर्म निकली है, ठीक है, टैबलेट की, वो क्या होगी? फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी. किसके थ्रू ब्रेक डाउन होती है? अगर हम हाई प्रेशर जो होते हैं अप्लाई करते हैं. ठीक, तो इसमें नोट डाउन करो, अंडर हाई प्रेशर द पार्टिकल्स get fragmented arrow करके लिखना fragmentation leads to smaller fragments फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन होगा. ठीक है, तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाएगा, कोई लार्ज फ्रेगमेंट्स बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव इनटू वॉइड्स VOIDS वॉइड्स. नेक्स्ट लाइन में लिखना, Here compression forces increases, particle start fragmentation because of high load. because of high load, particles break into smaller fragments, leading to formation of a new bonding area. ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? थर्ड ईयर. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. हेयर कॉम्प्रेशन फोर्सेस इंक्रीजेस कॉमा पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ हाई लोड पार्टिकल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स leading to form of a new bonding area. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ठीक है, जो बताया रिपीट कर दीजिएगा जरा. दोबारा से बता रही हूँ क्या हुआ है.
आपकी टैबलेट फॉर्मुलेशन चल रही थी। टैबलेट फॉर्मुलेशन में पहला था आपको ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन कर लिया हमने। फिर क्या होता है, कंबाइन करने के बाद उनका ग्रेन्यूलेशन प्रोसेस होता है, ग्रेन्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो ग्रेन्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स के, वो बना दिए जाते हैं। अब जब ग्रेन्यूल्स बन चुके हैं, हमें क्या करना है, टैबलेट को फॉर्म करना है, ठीक। तो टैबलेट फॉर्म कैसे होगी, जब ग्रेन्यूल्स का कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन किसके थ्रू होता है, कॉम्प्रेशन मशीन के थ्रू, ठीक। कॉम्प्रेशन मशीन ना अलग अलग साइज़ की आती हैं, 57 इंच की भी आती है, 36 इंच की भी आती है, ठीक। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कौन सी कॉम्प्रेशन मशीन यूज़ करनी है। तो कॉम्प्रेशन मशीन के थ्रू क्या होगा, टैबलेट कॉम्प्रेस्ड होके आएगी, ठीक, और देन वो हमें मिल जाएगी। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं। तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा, इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स इन डाई कैविटी इज कॉम्प्रेस्ड बिटवीन एन अपर एंड लोअर पंच। तो फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग में क्या होगा, जो ग्रेन्यूल्स होंगे कॉम्प्रेस्ड होंगे, किसके बीच कॉम्प्रेस्ड होंगे, अपर पंच एंड लोअर पंच, ठीक है, अपर पंच एंड लोअर पंच। अपर पंच एंड लोअर पंच क्या होते हैं, कॉम्प्रेशन मशीन के पार्ट होते हैं, ठीक, ठीक है। तो उसके थ्रू कॉम्प्रेस्ड होते हैं, कॉम्प्रेस्ड होकर क्या बनाते हैं, एक हार्ड मास बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैबलेट, ठीक। अब कॉम्प्रेशन के कौन कौन से फेसेस होते हैं, पहला है इसमें ट्रांजिशनल रीपैकिंग या पार्टिकल रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या होगा, पार्टिकल रीअरेंज होंगे, ठीक, स्मॉलर पार्टिकल्स ही बनेंगे, लार्जर पार्टिकल्स ही बनेंगे। जो लार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, उसमें क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे, धस जाएंगे एक दूसरे जाके, ठीक है। देन है डी फॉर्मेशन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, डी फॉर्मेशन होगा, डी फॉर्मेशन में वो अपनी फॉर्म ले लेंगे कि हमें कैसी फॉर्म बनानी है, ठीक, कि हमें अब टैबलेट जो है राउंड शेप की देनी है, सिलेंड्रिकल शेप की देनी है, कैसे वो डी फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म ले लेते हैं एक। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, अब डी फॉर्म ले लिया उन्होंने, एक फॉर्म बनी है बस, ठीक है, ये नहीं है कि वो पूरी क्या बोलते हैं, एक रॉ फॉर्म बनी है, ठीक है, कच्ची फॉर्म बनी है। उसमें क्या होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन भी होगा। फ्रेगमेंटेशन क्यों होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से अभी फॉर्म नहीं हुए, उनमें प्रेशर नहीं अप्लाई नहीं किया है, तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन किनका होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स का, ठीक। देन क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग किसके थ्रू होती है, डाई और पंच के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक। बॉन्डिंग से क्या होगा, डीकम्प्रेशन होगा, क्या होगा, डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन मतलब फाइनल स्टेज जिसमें टैबलेट कॉम्प्रेस हो रही है, ठीक है, फाइनल स्टेज होगी ये कॉम्प्रेशन की, डीकम्प्रेशन। दोबारा से वो अपनी फॉर्म में आ जाएगी कि राउंड शेप की बननी है, स्पेरिकल की बननी है, सिलेंड्रिकल बननी है, जब बन चुकी है वो डीकम्प्रेशन के थ्रू, ठीक है। देन क्या होगी, वो उसका इजेक्शन हो जाता है, वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है, कॉम्प्रेशन, ओके, अटेंडेंस लगाओ, वो रिपीट कर दीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन में कहाँ से रिपीट करना है, हेयर से कर दीजिए, हेयर कॉम्प्रेशन फोर्सेस इंक्रीजेस, हेयर कॉम्प्रेशन फोर्सेस इंक्रीजेस, पार्टिकल इंक्रीजेस के बाद कॉमा लगाना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रेगमेंटेशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ हाई लोड, बिकॉज ऑफ हाई लोड, कॉमा पार्टिकल्स ब्रेक इंटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, पार्टिकल्स ब्रेक इंटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर फ्रेगमेंट, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्डिंग एरिया, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्डिंग एरिया, ठीक है, कर लिया नोट डाउन मोनिश, हाँ जी मैम, एक तो उसके नोट्स भेज देना आप मैम, लास्ट टाइम जो पढ़ाया था आपने, आवाज नहीं आ रही थी ना, तो लिखा नहीं था हमने, तो मैंने भेज तो दिए उसके नोट्स, भेज तो दिए पूरी पीडीएफ, आपने देखी नहीं, ग्रेन्यूलेशन तक मैंने भेज दिया था, थर्ड ईयर आपने चेक नहीं किया क्या, जया जया
मोनिश एक बार चेक कर लो, सबको मिल चुके हैं, पूरी पीडीएफ भेजी थी, 32 या 33 पेज की थी वो। ठीक है मोनिश एक बार चेक कर लेना एक बार, ठीक है? मिल गया मैम, मिल गया। हाँ अटेंडेंस लगाओ, अब एक मिनट होल्ड करो, ठीक है? थर्ड ईयर, एक मिनट होल्ड कर लो।